नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर के वकीलों ने आगरा में बार संघ की महिला अध्यक्ष की हत्या के बाद पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर कलमबंद हड़ताल कर दी। छतरपुर में बार संघ के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय हड़ताल के साथ अपनी मांगे मीडिया के माध्यम से सरकारों के सामने रखी। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर यह हड़ताल रही। मंगलवार को अदालतों में कोई भी कामकाज नहीं हुआ, वकीलों ने अपना काम नहीं किया। वकीलों ने बताया कि आगरा में जिस तरीके से हत्या हुई या जबलपुर में जिस तरीके से अग्निकांड की घटना हुई, इन तमाम घटनाओं को लेकर अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले मध्य प्रदेश में अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल की। हमारे बार के सदस्य आगरा में जो अभी हमारे साथी अधिवक्ता की हत्या हुई है, उसके संबंध में जो हम लोगों की बहुत दिनों से एक पेंडिंग है कि एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, तो राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल की है तथा पूरे देश में आज आगरा की घटना के वजह से आज सभी लोग कार्य से व्रत हैं। हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा कराई जाए तथा न्यायालयों में जो अभी जबलपुर में अग्निकांड हुआ उससे न्यायालयों में भी अग्निकांड से बचाव के उपाय जल्दी से जल्दी किए जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी अग्निकांड ना हो, ना ही हमारे साथी अधिवक्ताओं के साथ में कोई कृत्य हो, क्योंकि आए दिन वकीलों के साथ में वारदातें हो रही हैं। परंतु मध्य प्रदेश सरकार जो पहले कह चुकी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जब चुनाव लड़ा था तो अपने वचन पत्र में भी ये कहा था कि हम जैसे ही सरकार अगर हमारी बनती है तो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करेंगे, परंतु 6 महीने का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं हुआ है। अगर अति शीघ्र लागू नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।